जो हाल दिल का इधर हो रहा है, वो हाल दिल का उधर हो रहा है। तो जी हाँ, नमस्कार, मैं नीजू और स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने चैनल IDI न्यूज में। तो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो आप लोगों को नीचे दिख रहा है ना लाल बटन, उस पर सब्सक्राइब वाला बटन पे क्लिक कर दो। तो जी हाँ, लव बर्ड्स यानी कि बिग बॉस, चिलम चिल्ले वाला प्रोग्राम, भूचाल विवाद वाला शो, कंट्रोवर्सी शो, और उसमें एक एंगल ना दिया जाए यानी कि कपल्स, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, लव बर्ड्स, उसको और क्या नाम दे सकते हो आप? कुछ भी दे दो, जो आपको मन करे वो आप दे दो, लेकिन लव एंगल वाला ट्रायंगल यदि घुसाया ना जाए वो शो मज़ेदार होता ही नहीं। हर शो में कोई ना कोई एक जोड़ी शादी कर लेता है या फिर शादी की चर्चाएं अफेयर वाला बिग बॉस में हो जाता है। और अब ये एंगल देखने को बहुत जल्द आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा, वो है अक्षरा सिंह। जी हाँ, अक्षरा सिंह और प्रतीक का जो केमिस्ट्री है ना, वो कहीं ना कहीं मुझे अब ऐसा लग रहा है कि अब उस एंगल की तरफ मूव करने वाला है। क्योंकि अक्षरा सिंह जिस तरीके से भाई साहब प्रतीक को सपोर्ट कर रही है ना, हर मुद्दे पर अक्षरा प्रतीक को बचाते हुए नजर आ रही, और प्रतीक भी अक्षरा को फुल सपोर्ट करते हुए नजर आ रही। हालांकि बीच में मिलंद MG आ गया था, बंदा बीच में एंट्री हो गई थी, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से प्रतीक की तरफ अक्षरा घूमी हुई है। आपने एक फोटोग्राफ देखा, बातचीत कर रही, हाथ में हाथ लगा के दोनों एकदम रगड़ते हुए, एकदम काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही थी। लेकिन हालांकि MG की तरफ कंधे पर रख के जब वो लड़ाई थी, उनको पापा को याद आ रही थी, तब उस टाइम जो MG की तरफ थी, लेकिन अभी अक्षरा प्रतीक के साथ काफ़ी ज़्यादा है। कल जिस तरीके से रिद्धिमा ने बहुत जोर से चिल्ला रही थी खानदान के ऊपर, जिस तरीके से विवाद मचा था कामचोर को लेकर, तो अक्षरा फुल सपोर्ट आपको कर रही थी इसको, प्रतीक को। तो ये कहीं ना कहीं जो एंगल है ना, रोमांटिक वाला एंगल है, वो मुझे लग रहा है अक्षरा ही स्टार्ट करेगी। और कहीं ना कहीं चिल्लाने वाला तो प्रोग्राम है, ये है वो स्टैंड लेने वाला, अब कहीं ना जो रोमांटिक एंगल जो देखना चाहते थे बिग बॉस में, वो कहीं ना कहीं अक्षरा सिंह पूरी तरीके से लगभग फिल करने वाली है। और 1-2 दिन में कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ आपको देखने को मिलेगा। क्या कहना है? कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। धन्यवाद।